हेलो स्टूडेंट्स, आज 12th क्लास में मैं आपको बताऊंगा वोल्टमीटर का अंशांकन या अंश शोधन। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। मैंने आपको बताया था कि इसके व्योममापी के अनुप्रयोग हैं सभी। तो पहले तो इसमें प्रश्न ये पूछा जाता है कि अंश शोधन या अंशांकन किसे कहते हैं, और फिर पूछते हैं कि वोल्टमीटर व्योममापी द्वारा वोल्टमीटर का अंशांकन करने का विद्युत परिपथ बनाइए और इसके अंशांकन करने की विधि बताइए, और लास्ट में होता है इसका अंशांकन वक्र बताइए। तो कई एक इसके इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी अनेक बनते हैं इसमें से, तो वो भी पूछ लेते हैं। और इसके ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। तो पहले मैं आपको पहले अंश शोधन या अंशांकन बताता हूँ कि ये क्या होता है। वोल्टमीटर के पाठ्यांकों की यथार्थता की जांच करने की विधि को अंशांकन या अंश शोधन कहते हैं। तो वोल्टमीटर से सपोज करो कि आपके एक वोल्ट का वोल्टमीटर है, और एक वोल्ट के अंदर हमने 10 छोटे छोटे चिन्ह लगा दिए, तो यानी कि एक छोटे चिन्ह का मान 0.1 हो गया। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे लेकर के एक वोल्ट तक जितने उसके पाठ्यांक हो सकते हैं, उन सब की जांच करना, उनकी एक्यूरेसी की जांच करना कि ये वास्तव में वही चीज़ बता रहा है जो हम चाहते हैं या उससे कुछ भिन्न बता रहा है जो है। तो उनकी जांच करने की जो विधि है उसी को हम कहते हैं अंशांकन। सो कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रीडिंग्स ऑफ वोल्टमीटर। इसका विद्युत परिपथ RH के EP यह है प्राथमिक परिपथ।
ये पूरा द्वितीयक परिपथ होता है, ये मानक सेल है यहाँ, मानक सेल, ये वोल्टमीटर परिपथ कहलाता है, तो ये पूरा का पूरा ये द्वितीयक परिपथ है इसका, जो ये एक दो तीन ये इसकी द्विमार्गी कुंजी है, इस तरीके से ये धारणी तक आर एच, धारणी तक आर एच डैश। तो हमें जिस वोल्टमीटर का अंशांकन करना होता है हम इसको इस द्वितीयक परिपथ में जोड़ देते हैं, और आप देख रहे हैं कि इसमें ये सेल और ये इन सब के पॉजिटिव टर्मिनल जो हैं वो सब एक ही पॉइंट पर जुड़े हैं, ए पॉइंट पर जुड़े हैं। तो ये विद्युत परिपथ है विभवमापी का मानकीकरण करने का। अब इसका जैसे हम अंशांकन करेंगे तो पहले इसका मानकीकरण करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले प्राथमिक परिपथ में कुंजी के बंद करके तार ए बी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तार ए बी पर विभव पतन होता है। ये मैंने बताया था कि ये सेंटेंस तो सबके लिए एक रहेगा कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रेस द की के इन द प्राइमरी सर्किट सो द करंट पासेज थ्रू द वायर ए बी एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स ड्रॉप टेक प्लेस ऑन द वायर ए बी। इसके बाद हम इसके सेकेंडरी परिपथ पर आते हैं, ये सेकेंडरी परिपथ है पूरा जो द्विमार्गी कुंजी 1 2 3 द्विमार्गी कुंजी में एक व दो का संबंध के बीच प्लग लगा दिया जाता है तथा दो व तीन को खुला रखा जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक और दो को बीच में प्लग लगा देंगे या कुछ नहीं करेंगे तो ये पहला परिपथ काम नहीं करेगा, केवल ये सेल काम करेगा, मानक सेल। इसमें हम इसका मानकीकरण कर रहे हैं। तार ए बी पर जो कि जे को खुसकाकर धारा मापी में
शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं। यह संतुलन अवस्था होती है। तो क्या करेंगे, जोकी को तार एक पर खिसकाएंगे और खिसका करके हम वो स्थिति प्राप्त करेंगे जहाँ पर धाराओं में विक्षेप शून्य होता है, और इसको हम इसकी संतुलन अवस्था कहते हैं। तो मान लेते हैं माना मानक सेल का विद्युत वाहक बल इक्वल टू ए, तार की संतुलित लंबाई इक्वल टू एल जीरो। तो विभव प्रवणता एक्स इक्वल टू ई अपॉन एल डेट्स। अब इसका मतलब ये कि हमने मान के, अब इसमें हम तार ए में बहने वाली धारा में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इस प्रकार विभव मापी का मानकीकरण कर दिया जाता है। तो ये मानकीकरण करने के लिए स्टेप किया जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, मानकीकरण करने के पश्चात जो द्विमार्गी कुंजी है उसमें से एक और दो के बीच का प्लग हटा देंगे और दो और तीन के बीच में प्लग लगा देंगे। तो वोल्टमीटर को परिपथ में लेना है आपको। इसके बाद द्विमार्गी कुंजी में एक व दो का संबंध विच्छेद कर दिया जाता है तथा दो व तीन के बीच प्लग लगाकर वोल्टमीटर को परिपथ में ले लिया जाता है। एक और दुका, सो वी विल डिस्कनेक्ट वन एंड टू एंड कनेक्ट टू एंड थ्री एंड वोल्टमीटर विल बी इन द सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर परिपथ में
कुंजी के डैश बंद करके प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध आर लगा दिया जाता है। क्योंकि जब तक आप प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध नहीं लगाएंगे तो वोल्टमीटर कोई रीडिंग नहीं बताएगा। तो हम क्या करेंगे कि कोई सी भी एक उसमें से की होती है उसको निकाल देते हैं और उस समय कुंजी की डैश को बंद कर देते हैं, तो वोल्टमीटर सर्किट के अंदर करंट बहना शुरू हो जाता है और वोल्टमीटर अपना पाठ्यांक देना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वोल्टमीटर पाठ्यांक देता है तो हम इसको नोट कर लेते हैं कितना होता है। तो मान लेते हैं वोल्टमीटर का पाठ्यांक इक्वल टू वी, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज वी। जो कि जे को तार ए बी पर खिसका कर धारा मापी में शून्य विक्षेप प्राप्त करती है, प्राप्त किया जाता है। तो इसे संतुलन अवस्था आ जाती है, इसे संतुलन अवस्था कहते हैं। तो क्या करेंगे, वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करेंगे, उसके बाद जॉकी को तार एबी पर खिसकाते हैं और वो स्थिति प्राप्त करते हैं जहाँ धारा में विक्षेप शून्य होता है और अब उस तार की लंबाई नाप लेते हैं कितनी होती है। माना माना तार की संतुलित लंबाई इक्वल टू एल डैस। तो विभवमापी का पाठ्यांक कितना होगा, विभवमापी का पाठ्यांक वी डैस इक्वल टू एक्स इंटू एल डैस। क्योंकि एक्स हम जानते हैं पहले से, इसमें इतना मान निकाल लिया है इसका, अभी संतुलित लंबाई इसकी हम एल डैस ज्ञात कर लें तो फिर यहाँ पर विभवमापी का पाठ्यांक आ जाता है। तो ये तो विभवमापी का पाठ्यांक और ये वोल्टमीटर का पाठ्यांक, दोनों का डिफरेंस कितना होगा। इसलिए वोल्ट मीटर पाठ्यांक में त्रुटि डेल्टा वी इक्वल टू वी माइनस वी डैस। वोल्टमीटर पाठ्यांक वी है, विभवमापी पाठ्यांक वी डैस है। तो भाई विभवमापी तो क्योंकि प्योर इसकी रीडिंग होती है, एक्यूरेट रीडिंग होती है, तो हमें ये देखना है कि उसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग में कितना डिफरेंस आता है। तो ऐसे क्या होता है, वोल्टमीटर के प्रत्येक पार्ट के लिए अनेक एलडीएस की वैल्यू ज्ञात की जाती है। वोल्ट
मीटर के विभिन्न पाठ्यांकों के संगत संतुलित लंबाई एल डैस ज्ञात करके त्रुटि डेल्टा वी की गणना की जाती है। तो ऐसे मान लो सपोज आपने चार या पांच रीडिंग निकालनी एल डैस की, तो ये वी डैस की चार पांच रीडिंग हो जाएंगी और फिर आपके बॉडी मीटर की चार पांच रीडिंग, तो उनके एक करस्पॉन्डिंग जो भी इसमें डिफरेंस होता है उसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं और फिर लास्ट में इसमें एक वक्र खींचते हैं जिसे अंशांकन वक्र कहते हैं। त्रुटि डेल्टा वी को वाई एक्स पर तथा वोल्ट मीटर पाठ्यांक वी को एक्स अक्ष पर लेकर एक ग्राफ एक आलेख खींचा जाता है जिसे अंशांकन जो टेढ़ा मेढ़ा वक्र होता है इसे अंशांकन वक्र कहते हैं। क्या करेंगे, किसमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है, तो डेल्टा वी को वाई अक्ष पर और वोल्टमीटर के पाठ्यांक वी को एक्स अक्ष पर लेकर के एक आलेख खींचा जाता है जो टेढ़ा मेढ़ा वक्र होता है और इसे अंशांकन वक्र कहते हैं। सो वी टेक द एरर ऑन द वाई एक्सिस एंड वोल्टमीटर रीडिंग ऑन द एक्स एक्सिस टू ड्रॉ ए ग्राफ एंड इट इज ए जिगजैग ग्राफ, सो इट इज कॉल्ड द कैलिब्रेशन कर्व। तो ये वक्र इस तरीके का होता है, ये इसका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश। मान लो कि एक इसकी रीडिंग यहाँ पर इस तरीके से आती है, दूसरी इस तरीके से आती है, फिर इसकी इस तरीके से आती है, फिर इसकी इस तरीके से, तो ये वक्र इसका जो है। इस तरीके, तो ये टेढ़ा मेढ़ा वक्र होता है। तो ये क्योंकि इसमें क्या है कि जो त्रुटि का मान होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का हो सकता है, तो पॉजिटिव वैल्यू वो हम यहाँ पर लेंगे, नेगेटिव वैल्यू हम इसकी यहाँ पर लेंगे, तो ये वक्र इस तरीके का आपको प्राप्त हो जाएगा। जो ये तो ये अंशांकन वक्र कहलाता है। जो ये अब इससे हमें पता चल जाता है कि भाई इसमें कितनी रीडिंग इसकी सही आ रही है, कितनी गलत आ रही है, और उससे इस मीटर का वोल्टमीटर का अंशांकन हो जाता है।
किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। तो इसमें अनेक छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मानकीकरण क्या होता है, मानकीकरण से क्या समझते हो, मानक सेल कौन सा होता है। तो मैंने आपको बताया था मानक सेल दो हम इसमें यूज कर सकते हैं, एक तो डेनियल सेल और दूसरा कैडमियम सेल। ये अंशांकन वक्र क्या होता है, त्रुटि क्या होती है, और आपका इसमें जो इस विद्युत परिपथ है, इसका कैलिब्रेशन करने का विद्युत परिपथ है, इसे बनाइएगा जो इसमें और दर्शाइएगा इसमें जो ये भिन्न भिन्न वैल्यूज। तो इस तरीके से ये अनेक छोटे क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज मैं इसमें इस वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन ही बताऊँगा। थैंक यू।